जी जमुना एली ब्रैक आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा वीकली रीडिंग फॉर यू गॉइज कि ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा जमुना एली ब्रैक ये जनरल रीडिंग है जो चीज़ आपके साथ रेजोनाइज करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे लेट्स गो लेट्स यर वर्क 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 ओके तो आप लोगों के लिए ये वाला वीक वर्क 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 सारा वर्क चल रहा है जो भी आप एजुकेशन है आपकी आपका वर्क है बिजनेस है उस पर आपका फोकस रहेगा सम ऑफ यू डेफिनेटली विल बर्न आउट ठीक है क्योंकि आपका ज़्यादातर फोकस जो है वो अपने काम 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 और पे है या आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से आपको, tension आप financial, financial आपको टेंशन हो सकती है स्ट्रेस हो सकता है एग्जॉस्टेड आप हो सकते हैं हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा हेल्थ का इशू भी हो सकता है यहाँ पे किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस हो सकता है फैमिली को लेकर या फैमिली मैटर्स को या फाइनेंशियल फाइनेंशियल चीज़ों को भी ले आपको टेंशन हो सकती है वर्क का भी स्ट्रेस हो सकता है आपको क्योंकि यहाँ पर नज़र आ रहा है यू आर रियली ओवर वर्किंग हार्ड आप में से कुछ लोग आप इतना काम कर रहे हैं दैट यू आर बर्न आउट तो अपनी हेल्थ का जरूर ख्याल कीजिएगा ये वाला वीक आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है आप इसे कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई एंटर होने वाला है लेकिन आप द प्रॉब्लम इज़ यू हैव अ ट्रस्ट इश्यूज़ तो डेफिनेटली आपके लिए इजी नहीं होगा इस इंसान पर ट्रस्ट करना या आप नहीं ट्रस्ट कर पा रहे हैं इस इंसान को यहाँ पे अरेंज मैरिज के चांसेस हैं कि कोई प्रपोजल आ सकता है तो डिपेंड करता है कि आप रेडी मुझे ऐसा लगता है मैंटली आप यू आर नॉट देयर या फैमिली को चीज़ों को ले आपको थोड़ा सा इशू चल रहा है आ, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर फाइनेंशियल या फैमिली के कुछ ऐसे इशू हैं जिसको लेकर आप थोड़ा सा इस वीक में स्ट्रेस रहने वाले हैं या वर्क को लेकर बट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ टेक केयर ऑफ योर में से कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे मेंटली स्ट्रेस हैं यूर फीलिंग लोनली, डिप्रेस या आप में से कुछ लोग ट्रस्ट इश्यू हैं चैलेंजेस का सामना हो सकता है डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी एग्जॉस्टेड uh, भी हो सकते हैं या ड्रेन भी हो सकते हैं बट डेफिनेटली स्पेंड योर टाइम विद द लवड वंस एक और चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि कोई आपकी तरफ गार्डिड है ठीक है मतलब आप चाहते हैं कि वो इंसान आपसे बात करें या आपको वेट है um, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी की जो लोग आपकी तरफ आ रहे हैं उनमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो क्योंकि जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं वो आपको भाव नहीं दे रहा सो दैट्स अ प्रॉब्लम सो हो सकता है आपको किसी का इंतज़ार है लेकिन वो इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहा है और आप बोर्ड हो चुके हैं वेट कर करके या हो सकता है कोई आपकी तरफ अट्रैक्टिव है लेकिन वो इंसान काफ़ी इंटिमिडेटेड हो सकता है आपकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी की वजह से आ, या इस इंसान को लगता है कि पता नहीं आप रिजेक्ट कर दोगे इग्नोर कर दोगे उनकी ऑप्शन को ये इंसान फायर साइन हो सकता है या याथसाइन या आपका इस वक्त इस इंसान की तरफ आ, या आप अट्रैक्टेड हो सकते हैं इस इंसान की तरफ से कोई पास की तरफ से भी आपकी तरफ दोबारा शायद ट्राई करने की कोशिश करे आ, लेकिन डिपेंड करता है कि आप दोबारा इस इंसान को कोई चांस देंगे या नहीं देंगे आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पास जो ऑफ़र आ रही है शादी की या प्रपोजल आ रहे हैं योर नॉट इंटरेस्टेड मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपको कुछ और ही चाहिए शायद और आप में से कुछ लोग फाइनेंशियली आपका इस वक्त फोकस जो है वो आपके फाइनेंसेस अपने कैरियर पे है या आप कुछ क्रिएटिव क्रिएटिव आपको करना चाहिए आप में से कुछ लोग काफ़ी अर्से से सोच रहे हैं कुछ करने के लिए इट्स अ टाइम टू डू इट ठीक है कोई आपकी तरफ अट्रैक्टिव भी हो सकता है और वो इंसान आपको कन्फेस भी करेगा इस वीक में बट यू डोंट लुक इंटरेस्टेड और वाइस वर्सा या जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं वो इंसान आपको भाव नहीं दे रहा लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है शायद इसलिए या वर्क रिलेटेड हो सकता है या कुछ इश्यूज़ हैं यहाँ पर आपको लगता है कि ये इंसान प्लेयर है या आपको लगता है कि आ, उनको लगता है शायद आप प्लेयर हो आई डोंट नो लेकिन यहाँ कुछ ऐसा सीन चल रहा है हो सकता है आप किसी की तरफ अट्रैक्टिव हो किसी के साथ आपकी ऐसे लव एट फर्स्ट साइट वाली सीन हो सकता है किसी के साथ इस वीक या किसी के साथ आपकी मीटिंग हो सकती है बट इट्स लाइक अट्रैक्शन आपको कुछ और चाहिए या इंसान आपकी तरफ जो आ रहा है उस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन हो सकती है लेकिन आपको कुछ और चाहिए ठीक है आप में से डेफिनेटली कुछ वेट कर रहे हैं समन आर यू वेटिंग फॉर समन स्पेशल आप में से कुछ लोग डेफिनेटली वेट कर रहे हैं अपने फ्यूचर का कब ये चीज आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी या ऑफर मिलेगी या आप में से कुछ लोग इस वीक आप कुछ क्रिएटिव करेंगे ठीक है यू विल आल्सो फील वेरी पैशनेट अबाउट समथिंग एक्साइटेड कोई इवेंट हो सकता है जो आप अटेंड करें या फैमिली में कोई न्यूज़ हो सकती है या आप फैमिली में कुछ क्रिएट करें या सेलिब्रेट करेंगे अपने फाइनेंसियस करियर या सक्सेस को लेकर ये वाला भी काफ़ी अच्छा है अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं इन योर बिजनेस इन योर जॉब अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं आप हो सकता है कहीं विजिट भी करें कोई न्यू प्लेस पे या कोई न्यू जगह पे ठीक है सो दैट्स अ रीडिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एम गोना सी यू लेटर बाय